आविष्कार में अरुण शर्मा वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान आज 41.9 डिग्री टेम्परेचर शिवपुरी में रिकॉर्ड किया गया वेस्ट एमपी में, और ईस्ट एमपी के अंदर पृथ्वीपुर 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तरह वेस्ट एमपी में सबसे अधिक जो है वो फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल अर्थात अधिक स्थानों पर वर्षा को दर्ज किया गया है, और हारदा में सबसे अधिक रेनफॉल 53.1 mm को दर्ज किया गया है। इसी तरह से ईस्ट एमपी में भी फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल अर्थात अनेक स्थानों पर अनेक जिलों में वर्षा को दर्ज किया गया है, और सबसे अधिक रेनफॉल जबलपुर में 54.0 mm रेनफॉल को दर्ज किया गया है। आज के मानसून के बारे में चर्चा करते हैं। तो मानसून ने जो है वो प्रदेश में आगे आने की अपनी आहट आज दे दी है, और प्रदेश के निवासियों के लिए आज खुशखबरी है कि प्रदेश में जो आज मानसून की आपको लाइन देख रहे हैं ये अलीराजपुर, बड़वानी, खारगोन, खंडवा, इंदौर, उज्जैन से होता हुआ विदिशा, जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, संगरौली से होता हुआ आज इन भागों के ऊपर पार कर गया है, और इसके आगे बढ़ने की जो है वो फेवरेबल कंडीशंस 3 से 4 दिन के अंदर संभावना प्रबल बताई जा रही है। आज के सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पाकिस्तान और नियर हमारे अफगानिस्तान एरिया के ऊपर जो है वो बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो वेस्ट सेंट्रल राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है, और इससे एक ईस्ट वेस्ट मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ जो है वो पूर्वी दिशा की ओर अग्रसर है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के ऊपर भी जो है वो एक 3.1 किलोमीटर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इन सबके होते हुए आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में इस टाइम जो है वो बादल जो है वो छाए हुए हैं, और अगर रडार पिक्चर के आज की देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश भागों में इस टाइम थंडरस्टॉर्म और जो कि जो है वो एक्टिविटी इस टाइम देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो अनेक स्थानों पर इस टाइम जो है वो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का भी जो है वो गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सब के होते हुए हमने जो आगे आने वाले मौसम के बारे में जो जानकारी है वो आई उसके बारे में, तो वर्षा की जो गतिविधि है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी, और आप देखेंगे कि छबुआ, अलीराजपुर, धार जैसे जिलों के अंदर जो है वो अधिकांश जिलों के अंदर जो है वो बारिश को दर्ज किया जाएगा, और साथ ही जो इंदौर, देवास, सीहोर, शिवनी जैसे इलाकों में अनेक स्थानों पर जो है वर्षा को दर्ज किया जाएगा। बाकी स्थानों पर जो है वो कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा को कल होने की संभावना है। अगर हम वानी के बारे में बात करेंगे तो छबुआ, अलीराजपुर, बाड़वानी और बैतूल जैसे जिलों के अंदर जो है वो कल भी जो है वो हैवी रेनफॉल दर्ज होने की संभावना है, अर्थात 64.5 mm से और ऊपर होने की जो है वो संभावना है। साथ ही जो बाकी के जो राज्य हैं जो ईस्ट के, उनके अंदर गस्ती विंड जो है वो 40-50 किलोमीटर थंडरस्टॉर्म और जो है वो होने की संभावना है, और जो वेस्ट के जो हमारे ज़िले हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड भी 30-40 किलोमीटर होने की कल संभावना है। 25 तारीख के मौसम के बारे में बात करेंगे तो जो वर्षा के अंदर जो है वो थोड़ी सी जो है वो कमी हल्की सी होने की है वो उम्मीद है, और आप देखेंगे कि कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा जो है वो पूरे राज्य के अंदर आपको दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही जो हमारा जो वेस्ट जो ईस्ट एमपी का जो हमारे जो ज़िले हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती विंड 30-40 किलोमीटर, और साथ में वेस्ट एमपी के जिलों के अंदर भी 30-40 किलोमीटर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना 25 तारीख को बनी रहेगी। 26 तारीख के मौसम के बारे में बात करेंगे तो एक बार फिर वर्षा के जो अनुपात है उसके अंदर जो है वो बढ़ोतरी होगी, और आप देख सकते हैं कि अनेक स्थानों पर छिंदवाड़ा, सिवनी, मांडला, विदिशा और भोपाल जैसे जिलों के अंदर जो है वो वर्षा की दर्ज होने की संभावना है। साथ ही वेस्ट ईस्ट एमपी के अंदर और वेस्ट एमपी के अधिकांश जिलों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड जो है वो 30-40 किलोमीटर होने की संभावना है। इसके साथ ही शहडोल और अनूपपुर जैसे जिलों में जो है वो हैवी रेनफॉल होने की संभावना 26 तारीख को बताई जा रही है। 27 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा के अनुपात जो है उसमें फिर से एक बार जो है वो बढ़ोतरी जो है वो जारी रहेगी, और आप देखेंगे कि जो अधिकांश जो ईस्ट एमपी के जो जिले हैं कटनी, जबलपुर, उमेरिया, शहडोल, सिद्धि, सिंगरौली के अंदर जो है वो अनेक स्थानों पे जो है वो वर्षा को दर्ज किया जाएगा। साथ ही जो वेस्ट के जो हमारे जिले हैं जैसे नीमच, गुना, अशोकनगर के अंदर भी अनेक स्थानों पे वर्षा को दर्ज किया जाएगा, और हैवी रेनफॉल जो है वो कटनी, जबलपुर, उमेरिया, शहडोल, अशोकनगर और विदिशा जैसे जिलों में होने की संभावना बनी हुई है। और साथ ही अगर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बात करेंगे तो अधिकांश जिलों में जो है 27 तारीख को जो है वो गस्ती विंड 30-40 किलोमीटर के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। सो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज मानसून ने आगे आने की दस्तक दी है तो वर्षा का क्रम हमारे अधिकांश जिलों के अंदर जो है वो जारी रहेगा, और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग
और गस्ती विंड के साथ जो है 30-40 या 40-50 किलोमीटर के साथ हवाएं चलेंगी। प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।